श्रीमद् भागवत महाकुंभ में नारायण दास जी महाराज ने कहा, राम का जीवन है अनुकरणीय। रंगरा के भवानीपुर गांव में पुरानी बुढ़िया काली स्थान परिसर में श्रीमद् भागवत महाकुंभ में शुक्रवार को सरल संत श्री नारायण दास जी महाराज राधेय ने कहा कि राम का जीवन आज हमारे लिए अनुकरणीय है। राम भारत के रोम रोम में बसते हैं। ऐसे में आज के युवाओं को प्रभु श्री राम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बाबा ने गुरु की महिमा का भी बखान करते हुए कई प्रेरक प्रसंगों से लोगों को अवगत कराया। इस आयोजन में मुखिया प्रतिनिधि सुबोध, पंचायत समिति प्रतिनिधि कुमोदी यादव, मुखिया दीपक कुमार उर्फ शिकारी शर्मा, शंभु शर्मा, राजेंद्र शर्मा, आमोद यादव, सिकंदर साह, संजय शर्मा, अरुण यादव, नंदलाल यादव, अजय यादव, प्रवीण कुमार, विक्की कुमार, उमेश यादव समेत समस्त ग्रामीणों की भागीदारी देखी गई। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। शराब का कारोबार करने के मामले में फरार आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। शराब का कारोबार करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी खगड़िया के वैसा निवासी अटल यादव को रंगरा पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बनिया गांव से शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण। रंगरा के बनिया गांव से शादी की नियत से एक नाबालिग 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत लड़की की मां ने खरीक थाना क्षेत्र के खैरपुर निवासी और एक अज्ञात को नामजद करते हुए रंगरा थाने में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। लड़की की मां का कहना है कि 20 मार्च को उसकी पुत्री शौच करने खेत गई थी, उसके बाद वह वापस नहीं आई। लड़की की मां ने कहा कि दोनों नामजद आरोपी उसके संबंधी हैं। दोनों से जब पूछा कि लड़की कहां है तो दोनों ने कहा कि अब वह नहीं आएगी, उसकी शादी हो गई है। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है, जल्द ही अपहृत लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। रंगरा में 8 लोगों से पुलिस ने वसूल किया 400 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सघनतापूर्वक मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 8 लोगों से 400 रुपये जुर्माना वसूल किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि रंगरा के भवानीपुर टावर चौक, रंगरा चौक और थाना चौक पर मास्क जांच अभियान चलाया गया था।